स्टार्ट करते हैं पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज से जो अभी आने वाली है। क्या क्या प्लान्स हैं आपके? बड़े मुश्किल कंपेटिटर्स हैं साउथ अफ्रीका की टीम, जो है हमेशा पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल देती है, तो क्या प्लानिंग की है आपने? नहीं, हमारी प्लानिंग तो बड़ी अच्छी है। लास्ट टाइम हमारे को टेस्ट मैच को इतने बुरे नहीं गए, थोड़ी बहुत बैटिंग में मसला हुआ मगर बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी नहीं गई पूरी सीरीज में। थ्रू आउट इवेंट में ना टेस्ट और वनडे और सब में ये हमारी बॉलिंग तो बड़ी अच्छी नहीं है, बैटिंग में थोड़ा मसला हुआ। अब थोड़े और मच्योर बैट्समैन आ गए जी, तो इंशाल्लाह वो भी कभी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि जाहिर बात है आमिर और आसिफ नहीं होंगे तो आपकी बॉलिंग शायद वैसी ना रहे जैसे आपकी इंग्लैंड में थी? देखिए वो तो हमारे विजय स्ट्राइकर बॉलर हैं, आसिफ का तो वैसे भी अगर आसिफ के ऊपर कुछ मसला ना हो तो तभी भी अपने दुबई को नहीं चलेगा था ना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आयात्मक दुबई में वाली है। मगर आमिर और आसिफ दोनों उम्मीद कर रहे हैं, उनको जारी बात है हमारे वही क्लास बॉलर हैं दोनों। जी, तो आप अपना कहाँ देख रहे हैं, आपका क्या गोल है इस सीरीज के लिए? साउथ अफ्रीका की जो हमेशा कहते हैं कि टीम जो है वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलती, क्या क्या आपका टारगेट होगा इस सीरीज में, और कौन सा ऐसा प्लेयर साउथ अफ्रीका का है जो आपको लगता है वो थ्रेट हो सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए? प्लेयर काफी अच्छे हैं मगर क्या कहना है, वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, तो ये वही ज्यादा कहता है कि आज मामला बड़ा अच्छा खेलता है जी ओपनिंग में, तो जी शायद वो इतने खास नहीं है मगर इंशाल्लाह हम इनको पकड़ लेंगे अच्छा, और इंशाल्लाह मैं इस सीरीज में टेस्ट में इंशाल्लाह टॉप करूंगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम भी यही चाहेंगे कि आप टॉप करें। कौन सा प्लेयर है जिसे आप टारगेट करना चाहेंगे? कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो उनकी बैटिंग का मेन प्लेयर होता है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है आप टारगेट करेंगे उसे? मेरे कालेज को मैंने 2 3 दिनों पहले भी उठ किया, मेरा मेरा मेन टारगेट होता है क्योंकि वो बड़ा मच्योर खेलता है जी और हाशिम आमला जो बेस्ट ऑफर बड़े अच्छे स्टॉक खेलता है वो भी गुड प्लेयर है। इंशाल्लाह मेरे तो टारगेट सारे ही, नेक्स्ट मैं तो क्वेश्चन चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट मैं ही होल्ड करूँ। जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जाहिर बात है वहाँ की विकेट जो होंगी वो स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद करेंगी, आपको लगता है कि आपका कम्बिनेशन विद दानिश कनेरिया या अब्दुल रहमान के साथ बहुत अच्छा हो सकता है? इंशाल्लाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आता हूँ, थोड़ा सा आपके जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि जब आप बड़े हो रहे थे तो कौन सा आपका प्लेयर था जिसे आप फॉलो करते थे और आपको शौक हुआ क्रिकेट का? पाकिस्तान अच्छा स्कूल की तरफ से खेलते थे तो पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, उस वर्ल्ड कप में मैंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद में थोड़ा शौक पैदा हुआ, ज्यादा इन्हीं में अच्छा थोड़ा शौक पैदा हुआ था, मैं भी कुछ ये टेनिस बॉल छोड़ के हार्ड बॉल की तरफ आऊँ जी तो लेदर बॉल भी खेलूँ क्रिकेट, तो उसके लिए मैंने क्लब ज्वाइन किया। 92 में पाकिस्तान अंडर 16 टीम था, इमरान खान कोचिंग जो लगता था जी वो 92 से स्टार्ट हुआ था जी पाकिस्तान में, 91 92 से, तो उसमें मैं पहली दफा गया था जी अंडर 16 खेलने के लिए इमरान खान कोचिंग क्रिकेट क्लिनिक में, जी तो उसमें मैं इमरान खान के साथ टीम बनाई थी, तो उसको देख के मैं मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी अच्छा स्टार बनता हूँ, जी वो मेरी आइडियल थी क्योंकि वो बड़े मशहूर थे पाकिस्तान के लिए, हजार बार वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया था जी तो लेजेंड है पाकिस्तान के, तो उनको देख के फॉलो करते हुए आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और तकरीबन 7 से फॉलो करते हुए जिस तरह मैंने अच्छा, सीखा है। आपने आपने क्या कहा दूसरा, आपने जो है वो सकलैन मुश्ताक की हेल्प से सीखा है या आपने खुद कोई वो सीखा था? नहीं दूसरा भी मैंने खुद सीखा मगर थोड़े से टिप्स यार क्लियर है, हमारे लेजेंड है उनसे भी थोड़े बहुत टिप्स लेते रहते हैं, मगर क्योंकि मैंने बॉल जो सीखा है ना ये जी मैंने सकलैंड में काफी वीडियो देख के खुद सीखा है। अच्छा, तो अभी आप जब इंग्लैंड में थे तो आपकी मुलाकात भी हुई थी सकलैन मुश्ताक से, हम सारों ने टीवी पे भी देखा आपको, तो क्या क्या टिप्स आपको दिए उन्होंने उस मौके पे? उनसे मैंने सीखा कि मुझे थोड़ी सी लंबी ब्रेक करनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा टिप्स दिए हैं लंबी ब्रेक कैसे करनी है, इसके ऊपर कैसे मेहनत करनी है, और दूसरा जो है ना वो बहुत अच्छा है उसको छोड़ना नहीं है, जितना तुम मर्जी पीछे खड़ा मगर बॉल जो है ना वेरिएशन के साथ करना है, जी
और बैट्समैन को ये दिखाना है कि मैं जो हर चीज से बॉल कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ मैं पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। क्या लगता है आपको कि कंपेटिटिव एनएफ है ये, या आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टीम्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की? जो कहते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो डिपार्टमेंट है जाके हमें सैलरी मिलती है, जी और हमें जो वार्ड सुनाई का जरिया होता है डिपार्टमेंट जाके पूरा साल हमें सैलरी मिलती है, अच्छा जाके भी किसी जगह डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच ही खेलती है। जी और मैं कहना चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट की टीम है ना वो रीजन की टीम से ज़्यादा अच्छी है, अच्छा क्योंकि ये पूरा साल इनको भरजा देते हैं, जी इससे प्लेयर आगे निकलता है, क्योंकि उनको अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो प्लेयर कैसे निकले। सही बात है, अगर साल में 3 महीने सीजन खेलने के बाद फिर दोबारा प्लेयर के पास कुछ नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, पैसे नहीं आ रहे तो वो कैसे खेले। तो भाई सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रीजन रीजन की क्रिकेट भी अच्छी है, मगर हमें चाहिए कि थोड़े से ये पैसों के मामले में थोड़े से प्लेयरों को फाइनेंशियल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छे फर्स्ट क्लास के 40-50 क्रिकेटर हैं उनकी जो दौड़ अपनी तरफ से शादी बिताए ताकि वो कुछ खेले, तो जी उनके घरवाल जान घर वाले इनको इजाजत दे खेलेंगे, जिससे वो उसकी क्रिकेट इम्प्रूव होगी और जाहिर बात है कि अगर प्लेयर अच्छा होगा तो वो खेलेगा भी। सही बात है, मगर आप सेटिस्फाइड हैं जो डोमेस्टिक में जो इतनी ज़्यादा टीमें होती हैं, कोई 21-22 टीमें होती हैं जब कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही होती है, आपको नहीं लगता कि वो कंपटीशन नहीं मिल पाता जो जो अगर कम टीमें हो तो मिल पाएगा? देखिए अगर टीम हम 10 टीमें करते हैं तो ये हमारे कितने टोटल पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं उस वो खेल लेते हैं, गाड़ी अच्छा वाले उनको कोई बाहर नहीं निकालेगा ना, जी वो बात भी सही है, तो जो जो पीछे रह जाते हैं छोटे लड़के वो पीछे के पीछे रह जाते हैं, वो भी शिकार होकर छोड़ देते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता आप हूँ देखिए मैं आपसे जो है ना, आप बहुत लेट पाकिस्तानी टीम में आए, ऑलमोस्ट आप 30 ईयर्स के थे उस वक्त, इतना टाइम क्यों लगा आपको पाकिस्तानी टीम में आने के लिए? इसमें तो आप निकलवा रहे हैं और अल्लाह की बात भी बड़ी है, जी जब बंदे का टाइम आता है ना उसको उसकी जगह उसकी चीज में नहीं लगती है हाँ वो बात तो बिल्कुल यार। ठीक मैं है। हाँ मगर ये है कि जब मैं पहले जब मैं पाकिस्तान में कैंप में गया था 2006 में गया था, मेरा लगभग 2006 में गया था, जी तो तब ग्राउंड में था कि एक लास्ट टाइम चला था अच्छा मेरे जो मेरा ख्याल है इंडिया के खिलाफ जो आखिरी सीरीज खेले हैं टेस्ट में मुल्तान में वही खेले हैं, जी, वो 2003 में तो खेले थे आई उसके थिंक, 2003 में, जब 2004 में जब इंडिया आया था जब सहवाग ने 300 किए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो उसमें पाकिस्तान कहने गया। जी, तो आप मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा लेट आए, या आप पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए रेडी थे? मैं खेलने के लिए तो रेडी था मगर मेरी जगह जगह पे तो मेरे जगह तो नहीं थी, डायनिंग एरिया था उस जी बार मदद था जी वही बॉलिंग करता था, उसके जी बाद शाहिद अफरीदी स्पिनर जी लेफ्ट बैट्समैन जी ये 3 प्लेयर थे ऊपर ग्राउंड में था, 4 प्लेयर थे, अगर इनमें से कोई इधर जाता तो मेरा ध्यान करना था, मैंने खबरें पढ़ी तो थी, वो जब आप टीम में आए थे तो मैंने खबरें पढ़ी थी कि मिसबाहुल हक का बहुत बड़ा हाथ था आपको लाने के लिए, इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, अच्छा क्योंकि उसको पता था 5-6 साल से मैं उसकी कप्तानी में खेलता था और उसने पहले भी कहा था पीसीबी को बोर्ड वालों को इसको पाकिस्तान नहीं खिलाना तो पाकिस्तान की नहीं टीम में डाल दें, जी इसको एक दफा आप चेक कर लें जी अगर अच्छा ना लगे तो निकाल लें, मगर जगह नहीं बन रही थी तो उन्होंने फिर डाला ही नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही थी, तो जी फिर मिस कॉल आज जब कप्तान बनना है वाइस कप्तान तो उसने मेरी कोशिश करके मुझे टीम में दिलवाया। ये बहुत अच्छा काम किया था मिसबाहुल हक ने, और हमें बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक जितनी आप क्रिकेट खेले हैं, कौन से ऐसी जो आपने अभी तक विकेटें ली होंगी, कौन सा ऐसा प्राउड मोमेंट है आपके लिए जो आपको लगता है कि अब तक सबसे ज़्यादा अचीवमेंट रही आपकी वो? था साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट सेमीफाइनल मैच मारा था जी इंग्लैंड में, तो जैक वेलस बड़ा फेस्ट था, वो जी जी ऐसा टाइम था कि अगर जैक वेलस आउट ना होता तो हम वो सेमीफाइनल मैच आराम से हार जाते, तो सही बात है, मैं बॉलिंग के लिए आया तो कप्तान ने मुझे कहा कि यार से अगर कैनस को आउट कर दो तो हम ये मैच जीतेंगे, जी मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा यार अल्लाह ये मेरे कप्तान की दुआ है मेरे दिल की मुराद है इसको पूरी कर दे, जी जी तो वो आउट हो गया सही बात है, और वो हुआ तो जो उसकी इंतहा थी, क्योंकि उसके बाद हम सेमीफाइनल जीत गए और फाइनल भी अल्लाह ने हमें जितवा दिया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही वर्ल्ड कप में, जी लास्ट वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बस एक हल्का सा वो
झटका लगा, हम भी हार गए। सही सही बात है। वो झटके के बारे में चले थोड़ी सी बात कर लेता, हमने टच ही कर दी। आपको नहीं लगता अगर अगर अब आप दोबारा हसी को बॉलिंग कराएं और वही प्रेशर सिचुएशन हो, आपको लगता है कि आप समथिंग डिफरेंट कराएंगे या अभी भी उसे मिडल एंड लेग पे ही बॉलिंग कराएंगे? आएगा तो उसके लिए डिफिकल्ट है इंशाल्लाह। अभी दो दफा तीन दफा मेरे आगे आ चुका है, उसको जी मैंने एक बाउंड्री भी नहीं मारने दी। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना अल्लाह के हुक्म से, तो जी ये एक दफा जो बल्ले के ऊपर जीती है मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं करना चाहिए। एक मेरा अपना पर्सनल सा तो क्वेश्चन है ये कि आपको लगता है कि उस टाइम जो है अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की जाती उसे तो ज्यादा बेहतर ना होता? बेहतर होता, मगर ये था कि उस वक्त वो उसकी इतनी हिटें लग रही थी ना कि बॉल कहीं भी कर दो तो उसका मिडिल होता था पूरा बॉल, सही बात है। और मैंने ऑफ स्टंप के बाहर ही गोल किया, वो भी अभी लगा वो भी सलमान डर के ऊपर चला हाँ, गया। वो ऑलमोस्ट कैच हो जाता मगर बच गया था। तो बस यही कह रहे हो, वो टाइम था ना जो आप पूरे स्पोर्ट्स में है, आपको पता है ऐसा टाइम आता है क्रिकेट में तो बंदा बिल्कुल बेबस हो जाता है। सही बात है। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, मैंने रुक के सोच के वो बॉल किया ऑफ स्टंप के बाहर, जी उसके ऊपर भी वो बाउंड्री होगी। बस ये भी अंदर भी मर्जी थी, मैच खिलाता आ रहे हैं हम। सही बात है। अगली चीज ये बताएं कि कोई ऐसी चीज जो आपको जो आप चेंज करना चाहेंगे अपने कैरियर के बारे में अभी तक? फिलहाल तो मैं कोई ऐसी चीज सोच नहीं, अब मैं एक ऐसी वैरायटी के लिए जा रहा हूँ जो जो जिसको गर्लबन में जो भी कहेंगे ये क्रिकेट की दीवार में दूसरा कहते हैं वो तीसरा, जी इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो वैरायटी मेरी ऊपर आ जाएगी ना तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी वैरायटी है, उससे और मैं बेहतर हो जाऊंगा उसको रोकने में। थोड़ा सा बता सकते हैं इसके उसके बारे में, थोड़ा बता सकते हैं कि वो किस किस्म की बॉल होगी? मैं इसमें अभी मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मैं पूरी एबिलिटी मुझे मिल जाएगी ना तो मैच में शो करने के बाद मैं बताऊंगा कितनी वैरायटी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंशाल्लाह कि वो चल जाएगी। सही है, इंशाल्लाह डेवलप कर लेंगे। और आपको क्या लगता है कब कब तक आप जो है हम देख सकेंगे उसे? इंशाल्लाह अच्छा चले, इंशाल्लाह कामयाब हो गए वो इंशाल्लाह, आदि तो हो गई है इंशाल्लाह, थोड़ा जी सा और रह गया इंशाल्लाह तो बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह वो इस वर्ल्ड कप में जरूर आएगी। थोड़ा बताएं हमें व्हाइट बॉल और रेड बॉल के बारे में, जब टेस्ट और वनडे खेलते हैं कोई इनमें से कौन सी बॉल जो है वो ज्यादा अच्छी है ऑफ स्पिन के लिए? देखिए रेड बॉल में दो ज्यादा चांस होते हैं गेंद को करने में, अच्छा क्योंकि लॉन्ग टाइम 40 ओवर 30 ओवर 35 ओवर इसमें पेशेंस चाहिए स्टैमिना चाहिए। व्हाइट बॉल के लिए जो वैरायटी है ना वो वैरायटी ज्यादा चलती है, अच्छा रेड बॉल के लिए वैरायटी नहीं चलती, रेड बॉल के लिए पेशेंस चाहिए, अच्छा लंग्स चाहिए, लाइन चाहिए, जो रेड बॉल होती बैट्समैन को है, पढ़ना चाहिए। जो रेड बॉल होती है वो ज्यादा टर्न होती है क्या? बॉल टर्न टर्न तो उतना ही होता है, मगर बॉल करने में मजा आता है ना रेड बॉल, क्योंकि अच्छा इसमें बॉलर के पास टाइम होता है, जी जिसको टाइम के साथ वेरिएशन के साथ करना है। और व्हाइट बॉल जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, उसमें ये कर के जल्दी जल्दी करना है, 30 ओवर के बाद बॉल चेंज हो जाता है, वो बॉल भी सॉफ्ट नहीं होता है, फिर हार्ड आ जाता है थोड़ा, ये होता है। सकलेन मुश्ताक या मुरलीधरन, आपके ख्याल से कौन सा बेहतर बॉलर था? लेकिन सकलेन मुश्ताक तो हमारे लेजेंड है, जी जारी रहा है मेरे स्टार है, मैं उनका ही नाम लूंगा क्योंकि मुरली जो भी है मगर जो सकलेन ने वैरायटी निकाली है जी उसी के ऊपर तो दुनिया कह रही है ये दूसरा है, ये वही दूसरा है जो सकलेन ने निकाला। सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी ये जब पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज खेल रहे थे तो हम देख रहे थे कमेंट्री में, बॉब विल्स हैं इंग्लैंड के कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल बॉलर दूसरा लीगली नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जो मर्जी अगर घोड़े ये दूसरा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा अगर यही बॉल किसी घोड़े के पास होता तो उन्होंने कहा था ये वो बॉल है जो वर्ल्ड क्लास बॉल है। सही बात है। हमारे ऊपर देखिए रवत सिंह हमने स्टार्ट की, जी नेक्स्ट बुगली कादर ने याद किए, जी दूसरा ये सकरान भाई ने याद किया, ये घोड़ों ने क्यों नहीं किया, ये इतने अफसर से आउट 100 साल पहले क्रिकेट दे रहे हैं, जी इनके पास एबिलिटी है मगर क्यों नहीं करते। सही बात है। ये तो अल्लाह ने हमें इतना हुनर दिया है, ये अल्लाह का बड़ा करम है, छोटा सा हमारा मदद है,